बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होटेलर 315। ही फ्रेंड, आज मैंने आपको कफ़ लगाने का तरीका बताना है कि कुछ दोस्तों के यहाँ पे जो प्लेट डालते हैं, ये वाली चोंट डालते हैं ना, कुछ दोस्त इसको चोंट कहते हैं, कुछ प्लेट कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब इस्त्री करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हो जाती है, उनका बाजू सारा खिंचा जाता है। किसी के यहाँ पर सलवट आ जाती है, किसी के ये वाले बाजू पर आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। ये मसला बड़ा दोस्तों का, और मुझे कमेंट्स में बहुत से दोस्तों ने कहा और स्पेशली कॉल किया है कि इसके बारे में कोई वीडियो बनाएं। ये देखें जी, मैंने इसको इस्त्री की मदद से, आयरन की मदद से इस प्लेट को मैंने बिठा दिया, और ये आपने कोशिश करनी है कि ये ज़्यादा लंबा आपने नहीं बिठाना। ये जितना मर्ज़ी आप बड़ा डबोटा डालेंगे, यहाँ तक ही ये बैठेगा। अगर आप चाहें तो इधर तक बैठेगा, नहीं तो ये आपको बिठाने का तरीक़ाकार ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखें जी, मैंने इस्त्री की मदद से इसको बिठा दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, बराबर से इसको काट दिया। ये बिल्कुल मैंने बराबर काट दिया। अभी क्या है इसका कि ये आपने मिला, इसको दोनों को, कपड़े नीचे वाले को और ऊपर वाले को, दोनों को मिला के आपने लगा देना है। उसके बाद आपका प्लेट ऐसे ही बैठेगा। अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैं कफ को लगाने लगा हूँ आपके सामने। तो मशीन मैंने ऑन कर लिया है, तो इसको आपने कहीं से भी इसकी लब नज़र नहीं आएगी आपको। प्लेट आपके सामने आयरन की मदद से इसको बिठाया था, तो अभी ये खुद ही आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे भी कोई खिंचाव नहीं, और आपका जो डबोटा है उस पर भी कोई खिंचाव नहीं। तो आपने ऐसे ही इसको बराबर, जैसे ही मैंने काटा था बराबर रख के आपने इसको सिलाई लगा देनी। यहाँ पे आपने जब आना है स्टार्ट से लेके यहाँ तक, ये जब आप सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई आपस में मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लब होती है ना, वो नीचे होनी चाहिए आपकी, इतनी ऊपर नहीं आनी चाहिए। देखें जी, ये कफ लग चुका है, ठीक है जी। और ये वाली जो सिलाई है, ये वाली सिलाई के साथ अटैच है, और ये आप देख सकते हैं जी, कोई इस पर लब वगैरह नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो नीचे भी आप देख सकते हैं, तो ऐसे ही आपने करना है कि ये वाली सिलाई भी आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल सिलाई ये वाली और ये वाली सिलाई दोनों आपस में मैच हैं, इसकी कोई लब बार नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं जी बाजू की जो असल इसकी लुक है वो दिखाते हैं जी। फ्रेंड ये देखें जी, ये बाजू हमने तैयार कर दिया, ये आपके सामने डबोटा कैसा प्यारा बैठा हुआ है, ये आपके सामने कफ है जी। तो आप देख सकते हैं जी कि इसकी, अभी हम आपको आर्महोल वाली साइड दिखाएंगे जी। तो यहाँ से ये देखें जी, बिल्कुल ये सेंटर में आएगा जी तीरे के, तो और क्या नाम है, ये देखें जी, ये आर्महोल की शेप भी देखें आप, ये आर्महोल की शेप है जी। तो आपने ऐसे ही परफेक्ट बनाना है जी। तो किसी किस्म का ये देखें जी, कोई खिंचाव नहीं है ना इसमें और ना इसमें, तो दुआ में याद रखें जी। तो हम ये देखें जी, अभी तो हमने बैन लगाना है इसको। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।